हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ नई जानकारी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। हमारे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आप तक सभी जानकारी बिल्कुल डिटेल में पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी कितनी है, पोस्ट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल से लेकर एज लिमिट तक की बात हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोस्ट और द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोस्ट क्या रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट को डायरेक्टर फॉर RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोस्ट क्या रहेगा, तो देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं 25 नवंबर 2022 यानी कि 25th नवंबर 2022 विल बी द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोस्ट। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी इस पोस्ट की अप्लाई करने के लिए। तो देखिए एसेंशियल और डिजायरेबल दो दो कैटेगरीज हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं। अगर हम बात करें एसेंशियल क्राइटेरियाज की क्वालिफिकेशन में, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर हम डिजायरेबल क्राइटेरिया की बात करें, तो देखिए ऑफिसर्स विद रूरल डेवलपमेंट बैकग्राउंड, एग्जांपल एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर कन्वर्टेड टू मेन स्ट्रीम ऑफ बैंकिंग, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड फैकल्टी leader, faculty member of training center, college with specialization in rural development, etc. shall be preferred. अगर हम बात करें कि experience क्या क्या जरूरी है इस job post को apply करने के लिए, तो आप हमारी screen पे देख सकते हैं candidate should have retired on VRS on attaining superannuation with minimum of 20 years of service with at least 15 years of office break. एक्सपीरियंस जानने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां पर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, जहां पर आपको सभी डिटेल बिल्कुल डिटेल रूप में बताई गई होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो देखिए द एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी लेस देन 65 ईयर विद साउंड हेल्थ, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द जॉब पोस्ट है 65 साल। अगर हम सैलरी की बात करें, तो देखिए द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट शैल बी पेड ऑन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द लास्ट पे एंड अलाउंस ड्रॉन्स लेंस then the initial amount of pension fixed before commutation plus leave etc. Contract period for Central Bank of India recruitment 2022, the candidate shall be appointed on a contract basis for a period of 1 year. Selection procedure ki baat karein, the eligible candidate will be called for personal interview and the decision of the bank in this regard shall be final. आइए जानते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022। द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट। द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज 25/11/2022। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहां पर आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपको ये गिवन एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर हम बात करें कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसी नजर आती है, तो मैं आपके लिए ओपन करके दिखा देती हूँ। हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह की नजर आएगी। इट्स टेकिंग अ व्हाइल टू गेट ओपन। ओके, सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं और सभी जानकारी आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। रिक्रूटमेंट की और भी जानकारी जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं स्टडी कैफे की ऑफिशियल वेबसाइट को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे ये होगा कि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी और आप कुछ भी नया अपडेट मिस नहीं करेंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।